नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत, आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स के चैनल के दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और साई छत्र केमिकल इंडस्ट्री बीड महाराष्ट्र के हमारे सभी ग्राहकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये नए साल में हम नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए केमिकल, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ में आपसे जुड़े रहेंगे, जिससे कि हम खोज भी करते रहेंगे और जिससे कि हमारे सबके बिजनेस में वृद्धि हो जाए। तो सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमारे दर्शक और हमारे ग्राहक दोनों को भी दोबारा ढेर सारी 2024 की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, ये जो घाघरा है, ये पिंक कलर का घाघरा है और ये पिंक कलर का प्रॉब्लम ही होता है। तो दोस्तों, ये हमारे लॉन्ड्री ओनर के यहाँ से उनके पास निचोड़ने के लिए हेड्रो नहीं था, तो वो प्रॉब्लम आ गया है कि इस पे कलर के रिंकल बन गए हैं। वो गड़बड़ में उन्होंने नीचे के साइड में अच्छा सा वॉश तक नहीं कर दिया, ये कलर का प्रॉब्लम आ रहा है करके। तो ये पीछे के साइड में भी देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे रिंकल बन गए हैं, इसी कलर के बन गए हैं। तो दोस्तों, कस्टमर ने, हमारे लॉन्ड्री ओनर भाई ने कहा कि ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके दे दो। तो दोस्तों, हमने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे, मगर ये डैमेज हो गया है, ये रिक्स आपकी है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा अभी हो गया सो हो गया है, अभी कोई इसको सोल्यूशन नहीं है, तो फिर आप कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो किसी कलर के रिंकल उसी कपड़े पे आ जाते हैं, इसका मेन कारण ये होता है कि उनके पास हाइड्रो नहीं होता, स्पिनर नहीं होता, इसकी वजह से गाढ़ा कलर नीचे चला आता है और इसी तरह के रिंकल बनते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी हो, आपके पास कम से कम स्पिन करने के लिए सादा हाइड्रो हो, इंडस्ट्रियल हाइड्रो हो, कोई ना कोई जुगाड़ होना चाहिए निचोड़ने के लिए। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो आ गई, अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो नीचे के साइड में जो मैल है, इसका तो हमारे पास परफेक्ट सॉल्यूशन है, इसका कोई टेंशन नहीं, कच्चे कलर पे हो, पक्के कलर पे हो। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, डस्ट लिफ्टर, हमारा जो बहुत अच्छा जुगाड़ है डस्ट लिफ्टर का, कि आधा लीटर पानी में 25-30 ml डस्ट लिफ्टर डाल दीजिए। ये कलर देने के ब्रश से गर्म पानी लिया है, गर्म पानी में हम डस्ट लिफ्टर डाल रहे हैं। तो ये कम ज़्यादा हुआ सॉल्यूशन तो भी कोई बात नहीं, मान लीजिए कि गलती से कम पड़ गया, ज़्यादा पड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो रिंकल बने हैं वहां पे भी लगा देंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जो नीचे के साइड में बहुत ज्यादा मैला है, दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करते हम भी, हमने इस रिंकल को थोड़ा चेक कर लिया कि किस प्रोसीजर करेंगे तो ये रिंकल निकलेंगे। और थोड़े पे चेक करने के बाद में हम वही प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ रिंकल बना है वहाँ वहाँ पे, और जो डस्टी पार्ट है कपड़े का जो निकला नहीं है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं,
डस्ट लिफ्टर का सॉल्यूशन लगा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या कर दिया, डस्ट लिफ्टर का सॉल्यूशन लगा दिया है। तो इसमें तो अभी क्या करेंगे, ये डस्ट लिफ्टर है, हमने पानी निकाला है, पानी में क्या करेंगे, डस्ट लिफ्टर ये NID डालेंगे और ये कलर गार्ड। इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये जो टॉप है इसको हम डिप करेंगे। हमें क्या करना है, जो रिंकल बने हैं वो रिंकल निकालना है। हाँ तो दोस्तों फाइनली हमने NID डस्ट लिफ्टर कलर गार्ड और सॉफ्ट प्लस में इसको डिप किया, डिप करके अच्छा सा ऊपर नीचे कर दिया और फिर हल्का सा ब्रश कर दिया नीचे के साइड में जो कि मैल लगा हुआ था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें क्या करना था कि जो रिंकल बने थे, जो कपड़े पे रिंकल बने थे वो हमने 100% निकाल दिए हैं। 100% एक टक का भी बचा नहीं है। आपको मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े रिंकल बने थे, देख सकते हैं 1% भी नहीं बचा है रिंकल। अभी पीछे की साइड दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं। कस्टमर को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि यहाँ रिंकल बने थे, 1% भी नहीं बचा है। हो सकता है आपको मोबाइल में ठीक से ना दिख रहे हो, मगर हमें मालूम है ये दिख रहा है आंखों से साफ कि 1% भी नहीं बचा है। तो दोस्तों हमारे सिटी के जो भी लॉन्ड्री ओनर है उनके हाथों से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है कपड़ों में, तो वो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि ये डिलक्स वॉशिंग कंपनी के ओनर निकाल दे, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और ये आने वाले खर्चों से हमें बचा ले। तो दोस्तों हम 95% 96% उसमें कामयाब होते हैं और उनका हम कस्टमर बचाते हैं, उनका जो दंड देना होता है कपड़ा भर के देना होता है उनसे हम बचाते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम भी किसी के काम में आते हैं और ऐसे क्रिटिकल काम के लिए लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑल इंडिया से हमारे पास लॉन्ड्री ओनर के कपड़े आते हैं कि देखो भाई इस पे ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो वो भी हम सॉल्व करके देते हैं, मगर ये गारंटी नहीं देते कि ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें करने के बाद ही मालूम पड़ती है और कुछ चीज़ें हमें देखकर ही मालूम पड़ती है कि हाँ ये हो जाएगा। तो दोस्तों नए साल में 2024 तक हमारा ये प्रयास है कि हमारे लॉन्ड्री में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना बचे कि वो हमारे पास आ जाए और हमसे वो काम ना हो सके। तो दोस्तों हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम जो भी हमारे लॉन्ड्री में कस्टमर प्रॉब्लम लेके आता है 96-97 तक प्रॉब्लम हम सॉल्व ही करके दे देते हैं गारंटी से 100%। कुछ 3-4% ऐसे प्रॉब्लम है कि वो हमसे सॉल्व नहीं होते,
जैसे कि सिल्क के साड़ी पे कलर लग गया है और कौन से साड़ी पे कलर लग गया है, बस ये इतना ही प्रॉब्लम बचा है। अगर हमारे हाथ से साड़ी का साड़ी पे या कपड़े का कपड़े पे कलर लग जाता है, फिर वो सिल्क हो या कौन सी भी हो, वो कलर पक्का तब हो जाता है जब वो सूख जाता है। मगर हम क्या करते हैं, हम SCR-80 लगा देते हैं और SCR-80 से वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। कस्टमर को पता भी नहीं चलता कि इस साड़ी पे कलर लग गया था। हम SCR-80 से वो 100% निकाल लेते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। मगर कस्टमर के हाथ से अगर साड़ी पे कलर लग गया तो वो निकलने में कुछ साड़ियों का निकलता है, कुछ साड़ियों का नहीं निकलता। हमें इस पे पहुंचना है कि सब साड़ियों का निकलता है, 100% निकलता है। बस 2024 ख़त्म होने तक हमें वहां पहुंचना है और हमें 100% तक जाना है, जो कि हम अभी 96% तक पहुंच गए हैं। ऐसा कोई भी काम ना हो कि जो हमसे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, हमें वहां तक पहुंचना है और गारंटी हमें देनी है 100%। तो हमारे साई छत्र केमिकल इंडस्ट्री के केमिकल कस्टमर को ढेर सारी शुभकामनाएं और लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स के दर्शकों को भी 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने नॉलेज को, आपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए देखते रहिए चैनल लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स।